सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। तो हम शुरू करते हैं अल्लाह ताला के प्यारे नाम के साथ। ये 2 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, जो छोटे वाले चम्मच होते हैं टीस्पून, वो लिए हैं। और ये 1/2 टीस्पून है सौंफ, और ये 4-5 लौंग है, और ये दालचीनी है 4 टुकड़े दालचीनी के, और कुछ मिर्ची हैं काली, और ये 2 इलायचियाँ हैं। थोड़ा सा फ्राई पैन में हल्का सा हमने फ्राई करना है इनको, जैसे भूनते हैं उस तरह हल्का सा बस करना है। चूल्हा मैंने पहले से ही चलाया हुआ था। ये देखें ऐसे ही इनको हल्का सा भूनना है। इनको अब मैं ग्राइंडर में डाल के तो मैं पीस लूंगी, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। जो मसाले हमने अब भून लिए थे, इनको अब हमने पीसना है। तो आप किसी भी चीज में पीस सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। और इसमें हमने अदरक लहसुन की पेस्ट डालनी है, 1 टीस्पून है ये। एक चम्मच आपने नमक डालना है, इसी में जो हमने ये पीसा था ना मसाला, उसी में। सूखा धनिया 1 चम्मच। हम कम मसाले खाते हैं इसलिए मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, तो आपको जैसे पसंद है मसाले आप वैसे भी डाल सकते हैं आप। और ये रेड मिर्च है 1 चम्मच। इनको मैं मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करके इनको मैं रख लूंगी। और अब मैं आपको बताती हूँ गोश्त के बारे में। ये हमने 1 किलो गोश्त लिया। तो जब आपने गोश्त वाली शॉप पे जाना है तो आपने उसको कहना कि मुझे ये ऐसे इस तरह ना बड़ी बड़ी बोटियां करके दे। ये आप देख रहे हैं 1 कप से कम ऑयल लिया। चूल्हा मैंने पहले से ही जला दिया था और इसको मैंने गरम कर लिया था देगची को। तो अब हम इसमें ये वाला गोश्त डालेंगे, और आपने बड़ी एहतियात के साथ डालना है क्योंकि ऑयल गरम होता है। आहिस्ता आहिस्ता डालना है। अभी हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। ये देखें आप देख रहे हैं ना कि इसका कलर ये वाला है, लेकिन जब इसका कलर वाइट हो जाएगा तो फिर इसमें हम लेमन जूस डालेंगे थोड़ा सा। 2 चम्मच आप लेमन जूस के डाल सकते हैं। उससे ये होता है कि इसमें इसकी जो खुशबू होती है, स्मेल होती है, वो खत्म हो जाती है, फिर नहीं आती गोश्त की। कई लोगों को पसंद नहीं होती तो वो बिल्कुल नहीं आती लेमन जूस के साथ ना। ये देखें, ये मैंने इसको थोड़ा ऐसे ऐसे ना भूनती रही हूँ, तो ये देखें ये वाइट हो गया है, देखें इसका कलर चेंज हो रहा है, देखें। इसका रंग चेंज हो गया। जब ऐसी इस हालत में हो जाए तो इसको मैंने तकरीबन 2 या 3 मिनट के लिए मैंने इसको भूना है। तो ये अब मैं इसमें लेमन जूस डाल दूंगी। ये आपने ना इसको अच्छी तरह भूनते ही रहना है। अभी मसाले नहीं डालने, जब अच्छी तरह ये सारी व्हाइट हो जाएंगी तो फिर आपने इसमें मसाले डालने। ये देखें इसमें ये बिल्कुल इस तरह बबल्स आने शुरू हो जाएंगे, और देखें अब गोश्त का रंग भी चेंज हो गया सारा, देखें वाइट हो गया, ठीक है, अच्छी तरह देखें कहीं से भी वो रेड नहीं है। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे जो हमने
पीसे थे, ये घर के मसाले हैं, तो वो मैं डाल रही हूँ। ये मतलब उसके अंदर सारा मसाला लगा हुआ था, तो मैंने कहा थोड़ा पानी डाल के तो इसमें डाल दूँ सारी चीज़ें, और इसको ऐसे मिक्स करनी है, फैला लें अच्छी तरह, और इसको साथ साथ ना भूनना भी आपको अच्छी तरह। फिर इसका काम अब यहाँ पे ये काम है कि आपने इसको ना बहुत अच्छी तरह भूनना है, और ये पानी जब खुश्क हो जाएगा सारा तो फिर हम इसमें ज़्यादा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 2 से 3 गिलास इसमें पानी जाएगा। ये देखें ये अब पानी खुश्क हो रहा है और ऑयल ऊपर आ रहा है, तो अब हम इसमें थोड़े और मसाले डालेंगे। ये जो गरम मसाला होता है ना साबत वाला, वो घर लेके आए, उनको पीसें, और उसका इतनी प्यारी खुशबू होती है, मैं तो घर के ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। और ये देखें ये इंशाल्लाह मैं इसका तरीका आपको बताऊँगी, तो ये मैंने ऐसे पीस के रखा हुआ है, और ये इसमें मैंने सिर्फ छोटा काली मिर्च पीसी हुई ली है, तो इसका आधा चम्मच चाहिए, छोटा चम्मच जो होता है वो आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें। साथ साथ हमने इसको भूनते भी जाना है, और साथ साथ हमने ये जो बाद में मैंने मसाले डाले हैं उसी टाइम पे डालने हैं। अगर आप भूल भी जाते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन पानी डालने से पहले आप प्लीज़ मसाले सारे डाल लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये देखें कितना अच्छा उसका रंग हो गया है, और ये देखें मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मैंने ये आप पहली दफ़ा मसाला ट्राई किया है। देखें अब ऑयल ऊपर आ गया है और मसाला नीचे है, और मसाला बहुत अच्छी तरह भून गया है। ये देखें बिल्कुल ऑयल ऊपर आ गया है और बहुत अच्छी तरह ये हो गया है। तो अब हम इसमें ये मैंने तकरीबन 1 जग पानी लिया है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें कितना जाता है। ये आपने इसमें सारा ये गोश्त डूब जाए आपने उतना डालना, तकरीबन 1 जग ही डाल दिया मैंने ना, इससे थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आप देगची में बना रहे हैं तो उसमें तकरीबन 2 जग जाएंगे क्योंकि गोश्त ने गलना भी है, लेकिन मैं कुकर में बना रही हूँ तो इसलिए फिर मैंने इसमें कम ही डाला है। पानी आप बाद में भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको प्रेशर दूंगी, तो इसको 20 से 30 मिनट का मैं प्रेशर दूंगी ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। देखें हम चेक करेंगे कि ये देखें कितनी अच्छी तरह गोश्त गल गया है इसका ना, ये देखें कितनी अच्छी तरह जबरदस्त। ये मैं आपको बता रही हूँ ये विटाबैक्स है, ये इधर से मिलते हैं, तो ये आप अगर ना भी हो तो कोई मसला नहीं, टेस्ट बस इसलिए मैं डाल रही हूँ कि इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है, न्यारी का अच्छी बनती है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप डाल लें, नहीं तो आप आटे को भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं इसमें दोनों चीज़ें ही डालती हूँ, ये भी डालती हूँ और आटा भी डालती हूँ। चले आए मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने 1 कप में गर्म पानी लिया है, इसमें मैं ये डाल दूँगी। गर्म पानी इसलिए क्योंकि उसमें जल्दी से मिक्स हो जाएगा, ठंडे में ये मिक्स नहीं होता सही ना, तो ये यहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं नाश्ते में भी, बहुत अच्छा रहता है नाश्ते में, दूध में डाल के, गर्म दूध में डाल के लोग यहाँ पे इसका नाश्ता भी करते हैं। तो ये देखें ये चीज़, ये गंदम का बना होता है और इसमें होल गंदम डाली होती है, छिलके भी होते हैं गंदम के, ये आपने ऐसे ही डाल देना और इसके फौरन बाद आपने चम्मच हिलाना है ताकि ये 1 जगह ना हो जाए, इसको मिक्स करना है फौरन आपने, ये देखें ठीक है, ये देखें देखें फौरन इसका टेस्ट,
ये देखें, ये थोड़ा सा ना शोरबा जो है ना ये थिक हो गया, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, ये देखें। लेकिन अब हम इसमें इसमें आटा भी डालेंगे, ठीक है। ये पानी मैंने ठंडा ही लिया है, इसमें गर्म पानी नहीं लेना आपने, नॉर्मल जो टैप का पानी होता है वो लेना है। और इसको साथ साथ आपने मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा करके डालना है और साथ साथ मिक्स करना है ताकि इसकी जो होती है ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखें, ये आटे को अब हमने पानी के अंदर कर लिया। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको डालना है और साथ साथ हमने इसको चम्मच को हिलाते जाना है। ये देखें जैसे कि मैं कर रही हूँ, इसको आपने ऐसे थोड़ा थोड़ा सा डालते जाना है और साथ साथ आपने चम्मच जरूर हिलाना है। अगर नहीं हिलाएंगे तो वो इसमें गुठलियां सी बन जाएंगी, वो नहीं अच्छी लगती है। ये देखें जबरदस्त माशाल्लाह, ये देखें। आप मुझे बताइएगा कि ये देख के आपका दिल कर रहा है निहारी खाने को। ये जब आपने दोनों चीजें डाल लेनी है तो फिर आपने इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देना है और ये फिर ऑयल ऊपर आ जाएगा और बहुत जबरदस्त आपकी तैयार हो जाएगी। इसके साथ अब हम जो चीजें इसके ऊपर डाल के हम खाते हैं तो वो अदरक, लीमू और सब्ज मिर्च। ये मैंने बहुत ही बारीक बारीक प्याज काट लिए थे तो इनको हम फ्राई करेंगे। जब हमने निहारी पेश करनी है तो उनके साथ हम ये चीजें रखेंगे क्योंकि आपको पता है निहारी इन चीजों के बगैर अच्छी नहीं लगती। ये प्याजों को इसी तरह करना है, हल्का हल्का ना, पर ज्यादा नहीं करना इसको, ज्यादा नहीं इसको जलाना हमने। ये देखो तकरीबन ये हो गई है, इसको बस एक मिनट के लिए और रखेंगे, ये रेडी होंगे। ये देखें ये प्याज इस तरह हो गए हैं। अब हम इनको प्लेट में टिश्यू रख के, ये टिश्यू के ऊपर हम निकाल लेंगे इनको ना। ये देखें मैंने इनको टिश्यू पे निकाल लिया और इनको मैंने ऐसे फैला दिया तो अब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएंगे। ये देखें ये ड्राई हो गए हैं, ये देखें जबरदस्त हो गए हैं। अब हम इनको, ये हमने प्लेट बनाई थी उसमें हम रखेंगे इनको। ये निहारी हमने अब सर्व करने के लिए रख दी है और आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार निहारी बनी है। आप वारस की निहारी भी भूल जाएंगे। और ये अब हम इसके ऊपर डेकोरेशन करेंगे। अगर आपको ये पसंद है खाना तो आप ज़रूर ऊपर डालें, इसके साथ इसका मज़ा दुबाला हो जाता है।
मिर्चें अगर आपको तेज लगे तो मैं इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल लेती हूँ, उससे इनका अच्छा टेस्ट आता है और ये तेज भी नहीं लगती।